वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि पहले हमने बात की थी, पंजाबी खत्रियोड़ा समाज इतिहास पे जो पुस्तक लिखी थी, तो कई सारे प्रश्न जिज्ञासाएं उभर के आई और मैंने भी सोचा कि इन जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए। सभी को हक है कि अपने उत्पत्ति, अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखें। पहला जो प्रश्न आया कि अरोड़ा जाति का उद्भव कहां से हुआ, ये तो हम सब जानते हैं महाराजा रूट के बारे में कि वो एक प्रतापी राजा थे, परशुराम जी ने उनको अभयदान दिया था, परंतु वो क्षेत्र कौन सा था और कहां तक फैला हुआ था। तो आज हम बात कर रहे हैं अरोड़ा क्षत्रिय समाज की, जिनका उद्भव है अरोड़कोट से। ये अरोड़कोट जो मैं नाम ले रहा हूं, ये पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। ये नाम है ईसा पूर्व छठी और सातवीं शताब्दी का जिक्र मैं करूंगा। आज तो इसको कहते हैं सक्खर, वर्तमान में पाकिस्तान में सक्खर डिस्ट्रिक्ट के नाम से रोड़ी भी कहते हैं, जो लोकल भाषा होती है क्षेत्र के लोग रोड़ी रोड़ी के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मूल नाम है अरोड़कोट। और ये जो अरोड़कोट है, ये अरोड़ा साम्राज्य का केंद्रीय शहर राजधानी रही है। अगर हम बात करें कि यह साम्राज्य कहां तक था, अरोड़ा क्षत्रिय समाज कहां तक फैला हुआ था, तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि जिसे हम पंजाब कहते हैं, पांच नदियां, इसमें रावी है, जेलम है, चिनाब है, सतलज है, प्यास है, लेकिन हम भूल कर जाते हैं ये पांच नहीं सात नदियां हैं। छठी नदी सिंधु है और सातवीं सरस्वती है। सरस्वती जिसका उद्भव पटियाला के पास से माना गया, और भावलपुर से जो प्राचीन शहर है खत्रियोड़ा समाज का, सरस्वती नदी किनारे बसाया गया था। ये जो पूरा इलाका है, इसे सप्त सैंधव कहते हैं। सप्त सैंधव, सात नदियों का क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में अरोड़ा जाति का प्रभाव था। यही से अरोड़ा जाति पूरे भारत में और विश्व में फैली। अरोड़कोट के कुछ खंडर अभी भी वहां है, खुदाई हो तो वहां प्रमाण खूब सारे मिल सकते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उससे पहले 14 बार, ये उल्लेख करना जरूरी है, तो प्राय पुस्तकों में नहीं मिलता जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 14 बार अरब की सेना को शिकस्त दी गई। 15वीं बार जो आक्रमण हुआ, वो आक्रमण छल पूर्वक आक्रमण था, जिसमें गायों को आगे किया गया, महिलाओं को आगे किया गया और राजा दाहिर सेन की हार हुई। वो पूरा एक बड़ा विस्तृत चचनामा में और दूसरी पुस्तकों में उल्लेख आया है। लेकिन कई सारे तथ्य जो मैं गौरवान्वित करते हैं, पहला, अरोड़ा सत्याणियों ने महिला सेना ने भी मुकाबला किया। हमने चित्तौड़ का जोहर तो पढ़ा है, लेकिन शायद हम अरोड़ा क्षत्रिय समाज के जोहर के बारे में नहीं जानते हैं, जो दिवेर में हुआ। और इससे भी एक और जोहर जो कश्मीर में शाही वंश के खत्रियों ने किया, उसके बारे में भी हमें नहीं पता।
राज तरंगणी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया उसके बारे में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। पर अभी हम बात कर रहे हैं अरोड़ा जाति की। ये जो अरोड़ा जाति है, जब ये सत्य धर्म के साथ व्यापार में व्यस्त हुई तो व्यापार कहाँ तक किया होगा, पूरे विश्व में व्यापार किया, और इसीलिए पूरे विश्व में फैला हुआ। फैलाव के दो ही कारण थे, एक तो व्यापार और दूसरा युद्ध, जो हमारा हमला हुआ। पहली बार जो विस्थापन हुआ तो जंग शहर से हुआ, जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो जंग शहर क्षेत्र के जो अरोड़ा खत्री लोग थे वो राजस्थान तक पहुंच गए, और सिवी जनपद जो एक पहचान बनी वो अरोड़ा खत्री जाति की वजह से बनी। यही कारण था कि जब सिंध पे आक्रमण हुआ, अरोड़कोट के बाद रावल का किला खत्म हुआ, दिवेर में अरबी सेना पहुंच गई, तब उस क्षेत्र से भी अरोड़वंशी बप्पा रावल तक पहुंच गए। बप्पा रावल का संबंध बिल्कुल है अरोड़ा जाति से। जब सिंध का समाचार, अरोड़कोट का समाचार बप्पा रावल तक पहुंचा, उन्होंने जैसलमेर, अजमेर इन इलाकों की सेना को साथ लेकर के और अरबी सेना को गजनी से आगे ईरान तक भगाया, जिसका परिणाम क्या रहा कि 400 वर्षों तक अरोड़ कोट पर या अरोड़ा जाति का जो ये शहर थे विभिन्न, कहीं पर हमला नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बप्पा रावल ने गजनी के शासक, जितने मुस्लिम शासक थे उस क्षेत्र में, उनकी 35 राजकुमारियों से विवाह किया, फलस्वरूप किसी की हिम्मत नहीं हुई वर्षों तक भारत पर आक्रमण करने। और जब वापसी हुई बप्पा रावल की, तो एक पूरा अलग से पूरा वीडियो बनाया जा सकता है उसके बारे में। उन्होंने रावलपिंडी शहर बसाया, कोई बड़ी रोचक कहानी है, कहानी नहीं कह सकते, घटना है, सत्य वृतांत है, लेकिन इसका प्रमाण और परिणाम यह रहा कि अरोड़ा जाति राजस्थान तक पहुंच गई, गुजरात तक पहुंच गई। अरोड़ा जाति का जो व्यापार था मिस्र तक होता था। हम सब ये तो जानते हैं कि मिस्र में पिरामिड हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पिरामिड हैं, पिरामिड के अंदर डेड बॉडी जो रखी जाती है। इन सारे में नहीं पता कि जो लकड़ी यूज की गई वो लकड़ी भारत से गई, इमली की लकड़ी, नील भारत से गया, वहां नहीं पैदा होता है। ये सब व्यापार अरोड़ा जाति की वजह से फैला। हम जब शेरशाह सूरी का नाम सुनते हैं तो हमें नहीं पता कि वो अरोड़ा वंशज है जिसने इस्लाम को स्वीकार किया, और सूरी, सूरी का मतलब सूर्यवंशी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अरोड़ा जाति सूर्यवंशी है, भगवान राम की संतान है। तो जो सूरी लोग थे, भले ही इस्लाम स्वीकार किया लेकिन उनकी निष्ठाएं भारत के प्रति बड़ी अच्छी थी, इसीलिए महाराणा प्रताप के साथ भी उन लोगों ने सहयोग किया। यही अरोड़ा जाति जब पूरे भारत में फैली तो इसने वहां के स्थानीय रीति रिवाज थे उनको भी अपनाया। इसलिए मैं आज लगता है कि कहीं कुछ भेद समझ जाता है कि राजस्थान में जो अरोड़ा है उनका पहनावा वो नहीं जो पंजाब के अरोड़ा खत्री समाज का है। ये भेद तो दिखेगा, लेकिन आज भी जब वरुण सप्तमी आती है तो जल देवता की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तक्षशिला जो अरोड़ा खत्री समाज का बहुत बड़ा केंद्र रहा, विश्व का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक गुजरात आज भारत में है,
और एक गुजरात पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में भी है। ये जो गुजरात जिला है, इस जिले के जो अरोड़ा वंशज थे उन्होंने बहुत दूर दूर तक व्यापार किया। गांधी जी जब पहली बार आए उस जिले में, अफ्रीका से आकर के वहां पहुंचे, तो हैरान हो गए कि इतना कपड़ा वहां बन रहा था कि जो कितने किलोमीटर का जो पूरा बाजार था उसको उन्होंने कपड़े से ढक दिया। सब तरफ जो है, हर तरफ जो है हाथ से बना हुआ कपड़ा दिखता था। ये जो खत्रीगढ़ जाति है इसमें कई सारे विभाजन भी हैं। ब्रह्म क्षत्रिय एक अलग से है, भाटिया भी आते हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन बोलते हैं अरोड़कोट की बात कर रहे हैं। ये जो अरोड़कोट है जो आज सिंध के सखर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उस समय जो बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था नाम था दिवे। इस बंदरगाह के माध्यम से दूर दूर तक व्यापार किया जाता था, और जंग मुल्तान भावलपुर ये पूरा जो इलाका सिंध के साथ लगा हुआ, ये पूरा अरोड़ साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि हम होली तो मनाते हैं, पर होली का हमारे से क्या संबंध है। तो ये प्रहलादपुरी जिसे आज मुल्तान कहते हैं, आज की तारीख में उसका जो पॉलिटिकल नेम है मुल्तान है, जहाँ दुनिया का पहला सूर्य मंदिर था जो अरोड़वंशियों के सूर्यवंशी होने की पुष्टि करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर में पता है, लेकिन हम अरोड़ा जाति के सूर्य मंदिर को भूल जाते हैं जो मुल्तान में है, उसे खंडर आज भी हैं वहाँ मौजूद। इसी मुल्तान को प्रहलादपुरी, जहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था, के नाम से जाना जाता है। और जब यह अरबी आक्रमण हुआ तो उस सूर्य मंदिर को बचाने के लिए अरबों से पूछा, क्या चाहिए, क्यों आए हिंदुस्तान, तो हमें धन चाहिए, भारत सोने की चिड़िया है, हम सोना चाहते हैं, गोल्ड चाहते हैं, गोल्ड के लिए हम आ गए हैं, तो कितना चाहिए। तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्तान के सूर्य मंदिर को बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को अरोड़ा क्षत्रिय समाज ने 13,200 मन सोना दिया, 13,200 मन सोना दिया ताकि सूर्य मंदिर को नुकसान नहीं हो। चीनी यात्री हंसाम ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि कितना सोना जो है दिया। हम और आने वाले वीडियो में विस्तार से इन सब पर चर्चा करेंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।